Good morning, students. Welcome in our online classes. Today we will read the poem The Fly. The very beautiful poem about the fly. Fly kya hota hai? Fly is a makhi. House fly jo hum kehte hain, makhi. And it is written by the Walter de la Mare. The poet of this poem is Walter de la Mare. Now, read the poem. First, we will recite the poem. Then, I'll explain you. Okay, listen carefully. Take out the page number 20 in your textbook. And let's start. How large unto the tiny fly must little things appear? A rosebud like a feather bat, its prickle like a spear. A dewdrop like a looking glass, a hair like golden wire. The smallest grain of mustard seed, as fierce as coal of fire. A loaf of bread, a lofty hill, a wasp, a cruel leopard, and specks of salt, as bright to see as lambkins to a shepherd. That is the whole poem. It is divided into four stanzas and each stanza has four lines. You can see each stanza has four lines. Now, how large unto the tiny fly must little things appear? A rosebud like a feather bat, its prickle like a spear. इस पोएम में जो पॉइंट है वो बताना चाह रहे हैं कि फ्लाई जो है वो इतनी छोटी होती है कि उसके सामने जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी क्या लगती हैं, बहुत लार्ज लगती हैं. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट अ फ्लाई, कि फ्लाई जो है अपनी से बड़ी चीज़ों को किस तरीके से देखती है, उनको देख कर कैसे डरती है, या उनका कंपेरिज़न वो किस तरीके से करती है, उनको वो चीज़ें कैसी दिखती हैं. ठीक है, एक्चुअल में वो चीज़ें तो छोटी ही होती हैं, लेकिन फ्लाई जो कि खुद बहुत छोटी होती है, बहुत टाइनी होती है, टाइनी मतलब स्मॉल साइज़, जो खुद बहुत छोटी होती है, तो उसके सामने कोई नॉर्मल चीज़ भी कैसी लगती है, बहुत बड़ी लगती है. तो हेयर वी हैव सम एग्जांपल्स दैट इज़ गिवन बाय द पोएट. हाउ लार्ज अनटू द टाइनी फ्लाई. हाउ लार्ज यानी कितने बड़े लगते हैं टाइनी फ्लाई के सामने, मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर, जो छोटी चीज़ें हैं वो भी कितनी बड़ी लगती हैं हाउस फ्लाई के सामने. लाइक अ रोज़ बर्ड लाइक अ फेदर बैट. और जो रोज़ बर्ड है, रोज़ बर्ड क्या होता है, रोज़ यानी गुलाब, बर्ड यानी कली, यानी कि जो गुलाब की जो कली होती है, पूरा खिलावा गुलाब नहीं होता, गुलाब थोड़ा सा कली टाइप होता है. लाइक अ फेदर बैट, वो हाउस फ्लाई को कैसी लगती है, जैसे कोई एक फेदर बैट यानी पंख का बिस्तर लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है उसके लिए, उसको इतनी बड़ा लगता है रोज़ बर्ड. किसको? फ्लाई को. जब उस पर बैठती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए एक बेड लगा हुआ है, एक पंख का बेड लगा हुआ है. तो रोज़ बर्ड लाइक अ फेदर बैट किसको दिखती है, टू सी द टाइनी फ्लाई. इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर. प्रिकल क्या होते हैं? प्रिकल होते हैं थॉर्न, यानी कि जो गुलाब के जो रोज़ है उसके अंदर जो कांटे होते हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे कोई स्पेयर, जैसे कोई हथियार हो, कोई तीर कमान हो, स्पेयर यानी हथियार हो. तो इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर. तो हाउ लार्ज अनटू द टाइनी फ्लाई मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर. अ रोज बर्ड लाइक अ फेदर बैट, इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर. एक हाउस फ्लाई जो कि छोटी सी हाउस फ्लाई होती है, उसको कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, लिटिल थिंग्स उसको कैसी लगती हैं, बहुत बड़ी लगती हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, रोज़ बर्ड. रोज़ बर्ड यानी गुलाब की जो कली होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो छोटी होती है. वो उसको कैसी लगती है, एक पंख के जैसे बेड बिछा दिया हो, सॉफ्ट सा बेड बिछा दिया गया हो, ऐसे लगता है उसको. और जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं रोज़ के, वो भी उसको कैसे लगते हैं, बड़े बड़े हथियार जैसे लगते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा. आई अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, अ हेयर लाइक ए गोल्डन वायर, द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फियर्स एज कॉल्स ऑफ फायर. और जो एक ड्यू ड्रॉप होती है, जो छोटी सी ड्यू ड्रॉप होती है, वो कैसी दिखती है उसको, लाइक ए ग्लास. ग्लास यानी शीशे की तरह, कांच की तरह,
उसे एक बड़ा सा कांच लगता है, एक ड्यू ड्रॉप जो छोटी सी पानी की बूंद होती है, वो उसे कैसा लगता है, जिससे कोई क्या हो, एक ग्लास हो, एक कांच हो, शीशा हो देखने का, अ हेयर लाइक ए गोल्डन वायर। और जो हेयर होते हैं उसको बाल कैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गोल्डन वायर है, यानी कि बाल उसको इतने लंबे लगते हैं जैसे कोई गोल्डन वायर, कोई तार है गोल्डन कलर का। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड्स, और जो छोटा सा मस्टर्ड सीड का जो ग्रेन होता है, मस्टर्ड यानी जो सरसों के बीजे होते हैं उसका जो ग्रेन होता है, उसको कैसा लगता है, एज फियर्स इज कॉल्स ऑफ फायर, वो उसको इतना फियर्स यानी इतना भयानक, इतना डेंजरस, इतना भयानक, इतना हॉरिबल लगता है, जैसे कोई उसको ऐसा लगता है कि कॉल्स ऑफ फायर, जैसे कि कॉल्स के अंदर क्या लगी हुई हो, फायर लगी हुई हो, उसको वो इतना बड़ा लगता है। जबकि जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे से होते हैं, वो थोड़े से गोल्डन ब्लैक होकर थोड़े से गोल्डन शेप उसमें होते हैं, इसलिए उसको कंपेरिजन किससे किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, फियर्स एज कॉल्स ऑफ फायर, वो उससे डर जाती है, वो सोचती है क्या है, कॉल्स ऑफ फायर से, यानी कि कोयलों में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है फायर से। सो हेयर यू कैन सी, हेयर वी यूज अ इटरेटिव टर्म ऑफ सिमिली, हम लाइक का यूज़ करें, अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, तो यह ड्यू ड्रॉप को कंपेयर किससे किया गया है, लुकिंग ग्लास, और बाय द हेल्प ऑफ द वर्ड लाइक, तो ये क्या है आपका, सिमिली, इट इज़ अ यूज ऑफ सिमिली। ओके, नाउ सी द लास्ट स्टेंजा, सी द लास्ट स्टेंजा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ लॉफ्टी हील, अ वर्ब्स, अ क्रूअल लेपर्ड, एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट एज ब्राइट टू सी एज लंपकिंस टू अ शेफर्ड। इन द लास्ट स्टेंजा ऑल्सो दे कंपेयर द स्मॉल थिंग्स टू अ लार्ज, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड का जो टुकड़ा है, एक ब्रेड का जो पीस है, उसे अ लॉफ्टी हील, एक बहुत लॉफ्टी यानी बहुत बड़ा, बहुत टॉल हील की तरह उसको ब्रेड का टुकड़ा भी उसको कैसे लगता है, बहुत बड़ा, क्योंकि हाउस फ्लाई एक्चुअल में खुद कितनी सी होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसको जो ब्रेड का एक टुकड़ा है, जो ब्रेड का एक पीस होता है, वो भी उसको कैसा लगता है, एक पहाड़ की तरह, एक बड़े से पहाड़ की तरह ही लगता है। अ वाप्स अ क्रूअल लेपर्ड, वाप्स यानी जो मधुमक्खियाँ हैं वो उसको कैसी लगती हैं, अ क्रूअल लेपर्ड की तरह, एक क्रूअल लेपर्ड यानी एक क्रूअल, बहुत ज़्यादा निर्दयी लेपर्ड की तरह लगती हैं, जो उसको लगता है वो उसको खा जाएंगे। एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट, स्पेक्स ऑफ सॉल्ट यानी जो सॉल्ट है, स्पेक्स यानी जो उसकी जो नमक होता है उसको जो हम उठाते हैं, उसकी जो एक चुटकी है वो उसको लगती है इज़ ब्राइट टू सी, जो सॉल्ट है वो कैसा लगता है, बहुत ही ब्राइट लगता है। ठीक है, तो स्पेक्स यानी छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं सॉल्ट के, सॉल्ट कितनी बारीक होती है, कितना बारीक होता है सॉल्ट, जो उसके बारीक बारीक पीसेस हैं वो उसको कैसे लगते हैं, वो बहुत ब्राइट लगते हैं देखने में, एज लैम्पकिंस टू ए शेफर्ड, जैसे कि लैम्पकिंस को, लैम्पकिंस के लिए क्या होते हैं, एक शेफर्ड होते हैं, लैम्पकिंस कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, जो शिप के बच्चे होते हैं, वो लेपर्ड्स को, शेफर्ड जो कि गडियारा है जो अपनी भेड़ चराता है उसके लिए, जिस तरीके से शेफर्ड के लिए लैम्पकिंस होते हैं, वैसे ही ब्राइट सॉल्ट मक्खी के लिए सॉल्ट होता है ब्राइट, जितना कि शेफर्ड्स के लिए लैम्पकिंस होते हैं। सो डैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, डैट इज़ हेयर वी हैव द कंपेरिजन ऑल द टाइनी थिंग्स टू अ लार्ज थिंग्स, यहाँ पे बताया गया है कि एक जो छोटी मक्खी है उसे हर चीज़ कैसी लगती है, बहुत बड़ी लगती है क्योंकि वो खुद बहुत छोटी है। तो इन द पोएम, इन द प्रेजेंट पोएम द पोइट यूज द सिमिली, डैट इज़ अ लिटरेरी टर्म इन दिस, वी कंपेयर टू थिंग्स एंड मोर देन टू थिंग्स, वी थिंग्स कंपेयर लाइक using the words like, as, such as, here poet use the word like to use the simile, simile ka use kiya hai is poem mein poet ne to compare the other things, to compare the tiny things to a large things. Okay, so I hope you all understood this poem. If you have any problem, any query, you can ask me. The fly is a house fly, it is written by the Walter de la Mare, and it is your homework to recite this poem, learn this poem. Okay, and in the next video we will do the question answers. Until you have to write the word meaning in your notebook and the learn it. Okay, so till then take care, but remember that you have to recite this poem, everybody. Okay, take care, bye.